हेलो एवरीवन, प्रीवियस लेक्चर में बहुत कुछ पढ़ा चुकी हूँ अब तक। ऑलमोस्ट सारी थ्योरेटिकल चीजें हो चुकी हैं रिगार्डिंग सिंटेक्स एनालाइजर। लेक्चर 19 में कुछ कोडिंग साइड, कुछ इम्प्लीमेंटेशन साइड की बात कर लेते हैं, ठीक है जी। इस लेक्चर में, लेक्चर 19 में आपको कवर करवाऊंगी कोड स्ट्रक्चर इन सी शार्प, सी प्लस प्लस एंड पाइथन, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चले शुरू करते हैं, ठीक है। कोड स्ट्रक्चर सी शार्प, सी शार्प तो हमारा जो सी एफ जी है, ठीक है। हमने अलग अलग सारी सी एफ जी देख ली है, ठीक है, लेकिन हर लैंग्वेज की कंप्लीट सी एफ जी होती है जिसमें हम सारी चीजें एक साथ इम्बेड करते हैं, ठीक है जी। सी सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, सी शार्प हो गया या पाइथन हो गया, इनमें सबके अलग 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 डिफरेंट सी एफ जीज होंगी उनके सिंटेक्स के हिसाब से। तो उन सारी चीजों का मैं गो थ्रू दूंगी। चले सी शार्प पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। सी शार्प क्या होता है, सी शार्प में क्या होता है कि हर चीज जो है क्लास के विदिन होती है, ठीक है, क्लास के विदिन होती है। और फिर क्लास के अंदर सिंगल स्टेटमेंट्स होते हैं, फिर उसके अंदर फंक्शंस होते हैं, हर कुछ जो है क्लास के अंदर होती है, ठीक है। पैकेजेस अगर हैं या नेम स्पेस वगैरह यूज किया हुआ है तो वो भी चीजें होती हैं। बट अगर आप लोगों ने अपनी लैंग्वेज में नेम स्पेस या पैकेज नॉर्मल यूज नहीं करते, वैसे अगर नहीं किया हुआ तो उसमें अंदर, ठीक है जी। तो हर कोड स्ट्रक्चर में मिनिमम से मिनिमम एक क्लास और उसके अंदर एक मेन जरूर होगा, ठीक है जी। अगर आपने मेन को एज अ कीवर्ड यूज किया हुआ है तो हम क्या करेंगे, उसे सिंटेक्स में फंक्शन डील करेंगे, ठीक है जी। और अगर ऐसा कीवर्ड नहीं यूज किया हुआ या यूज ही नहीं किया हुआ तो फिर उसमें ऐड करने की नीड नहीं है, तो वो फिर जाके सिमेंटिक में चेक होगा, सिंटेक्स में चेक नहीं होगा, ठीक है जी। तो देखिए हमारी स्टार्ट हुई, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले क्लास का वर्ड आया, क्योंकि क्लास, ठीक है, क्लास की आईडी आ गई उसके। अच्छा, इससे पहले जो होगा क्लास मॉडिफायर भी होगा, ठीक है जी, ताकि पता चले कि क्लास फाइनल है, सीरीज है, स्टैटिक है, एब्स्ट्रैक्ट है, किस नेचर की क्लास है, ठीक है। क्लास से पहले डेफिनेशन भी है, ठीक है, वो ये डेफिनेशन का नॉन टर्मिनल है। फिर उसके बाद क्लास मॉडिफायर है, उसके बाद क्लास का कीवर्ड है, उसके बाद आइडेंटिफायर, उसके बाद इनहेरिटेंस है, ठीक है। इनहेरिटेंस भी बहुत जरूरी है। उसके बाद जो क्लास की बॉडी है उसके अंदर क्या है, क्लास की ब्रेसेस स्टार्ट होंगे, क्लास की बॉडी होगी, ठीक है। क्लास की बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस और भी चीजें आ सकती हैं, ठीक है, तो ये इसकी बॉडी में कवर हो जाएगा। उसके बाद एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन भी जरूरी है, ठीक है। फिर मेन की बॉडी में मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी है, उसके बाद क्लास की बॉडी, ठीक है, उसके बाद डेफिनेशन है। डेफिनेशन देख लेते हैं, तो डेफिनेशन में क्या क्या आ सकती है हमारे पास, इंटरफेस की आ सकती है, स्ट्रक्ट की आ सकती है, इनम्स की आ सकती है, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन कि आप अपनी लैंग्वेज में कौन कौन सी चीजें यूज कर रहे हैं। अगर आप अपनी लैंग्वेज में इंटरफेस यूज ही नहीं कर रहे, अपनी लैंग्वेज में स्ट्रक्ट या इनम यूज ही नहीं कर रहे, तो प्लीज डेफिनेशन में आपको चेंजिंग करनी पड़ेगी। जैसे इस डेफिनेशन की जब मैंने इसको एक्सपेंड किया, इसका रूल बनाया, तो इसमें क्लास की डेफिनेशन है, इसमें स्ट्रक्ट की डेफिनेशन है, इसमें इंटरफेस की डेफिनेशन, इसमें नल है, ठीक है। डिपेंड करेगा कि आपकी लैंग्वेज में कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है। क्लास की जो डेफिनेशन है, ठीक है, क्लास की जो डेफिनेशन है, इसमें क्लास कीवर्ड होगा, आईडी होगी, इनहेरिटेंस होगी, इसकी बॉडी होगी, ठीक है, सिंपल ये होगा। उसके बाद जो क्लास की जो बॉडी होगी, इसमें हमारे पास क्या है, आर्ट्रीब्यूट हो सकता है, क्लास की बॉडी ये फंक्शन है, ठीक है। आर्ट्रीब्यूट क्या चीजें हैं, इसमें हमारे पास वेरिएबल की डिक्लेरेशन हो सकती है, हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल की डिक्लेरेशन हो सकती है, हमारे पास ऑब्जेक्ट की डिक्लेरेशन हो सकती है, हमारे पास एरे की डिक्लेरेशन हो सकती है, ठीक है। और ये फंक्शन डेफिनेशन है, फंक्शन डेफिनेशन में हमारे पास जो हम इसको एक्सपेंड करेंगे, तो हमारे पास में फंक्शन की डिक्लेरेशन हो सकती है, कंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, कोई भी प्रॉपर्टीज डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये बेसिक सा सी शार्प का कोड स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसकी जो है, अब इसको प्रोग्रामेटिकली मैं एक फंक्शन इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है, ताकि जो है क्लियर हो जाए और ज्यादा कि ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो, ठीक है जी। देखिए सबसे पहले एस का वो यूज स्टार्ट हुआ, ठीक है। सबसे पहले जो हमने क्या हम देखेंगे, ठीक है जी, ये हमने लगा दिया है, एक मिनट, ठीक है जी। सबसे पहले हमारे जो ये एस का नॉन टर्मिनल है, ठीक है, इसके हमने फंक्शन बना लिया है, ठीक है। इसमें हम जो है वो टोकन जो है एज अ पैरामीटर या एज एन एट्रीब्यूट इसमें पास करवा रहे हैं आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो ये टोकन वो है जो कि हमें लेक्सिकल एनालाइजर ने जनरेट करके दिए, ठीक है जी।
ये यहाँ पे हम इसका और एज एन आर्गुमेंट पास कराया। अब देखिए सबसे पहले एस का जो नॉन ट्रिविअल था, जब हमने उसकी डेफिनेशन देखी तो उसमें सबसे पहले आ रहा था, ठीक है, डेफिनेशंस आ रहे थे, क्लास मॉडिफायर आ रहा था, ठीक है। तो हमने सबसे पहले देखा कि जनरल, पर्सनल, सिंबॉलिक, फाइनल, ये वो सारी कीवर्ड्स जो अलग अलग मैंने अपनी अपनी लैंग्वेज के हिसाब से यूज किए हैं। ऐसे सिंबॉलिक होता नहीं है, प्रोटेक्टेड होता है, ये सारी चीजें होती हैं। पर्सनल, प्राइवेट की जगह मैंने पर्सनल यूज किया हुआ है, पब्लिक की जगह मैंने जनरल का कीवर्ड यूज किया हुआ है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी लैंग्वेज क्या है, अपनी लैंग्वेज के हिसाब से कीवर्ड्स कौन से यूज किए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इसमें एक्सिस मॉडिफायर के आ गया है। एक्स मॉडिफायर की का एक फंक्शन बनाया हुआ मैंने, उसमें मैंने ये पास कराया हुआ है, ठीक है। तो ये एक्सिस मॉडिफायर है, ठीक है। उसके बाद जो है नॉन एक्सिस मॉडिफायर में पास कराया हुआ है, ठीक है। ये सारी एक्सिस मॉडिफायर वाली चीजें हो गई। अब क्या हुआ कि क्लास का कीवर्ड है, कि अगर मेरी जो टोकन है वो क्लास का कीवर्ड है तो ही वो अंदर इस ब्रैकेट में इंडेक्स प्लस प्लस हो जाए, ठीक है। इंडेक्स प्लस प्लस हो गया, पहले क्लास का इंडेक्स आ रहा था इस वाले एरे में। अब जो है क्लास के बाद जो भी वर्ड होगा वो आएगा, क्लास के बाद कोई वर्ड होगा वो आईडी होगा, ठीक है। वो आईडी होगा ना, जाहिर सी बात है, अकॉर्डिंग टू सीएफजी, ठीक है, वो आईडी होगा। अब आईडी हुआ, इसमें मैच हो गया, मैच हो गया, यहाँ से जो भी है कंडीशन ट्रू हुई तो फिर ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा और इंडेक्स प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब जो है हमारे पास एक्सटेंड वाली फंक्शन यूज करेंगे। एक्सटेंड के फंक्शन में मैंने क्या यूज किया हुआ है आपको दिखा देती हूँ, मैं इसकी डेफिनेशन में लाती हूँ, ठीक है। एक्सटेंड में यही है, हमारे पास इनहेरिट यूज हुआ है कि अगर इनहेरिट है तो फिर ये करे, और इनहेरिट के अंदर भी हम देखेंगे कि कौन सी आईडी है, उसके बाद ट्रू करे, उसके बाद दोबारा ये उस फंक्शन में चला जाता है, ठीक है। इसी तरीके से नॉन एक्सेस मॉडिफायर का भी फंक्शन यहाँ पे गिवन है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं क्या सिनेरियो चल रहा है, ठीक है। वापस जाते हैं, ठीक है, यहाँ तक तो पहुंच गए थे हम, सही है। आईडी आ गया, अब ब्रैकेट ओपन हो गया। अब हमारे पास क्या है, बॉडी आ गई, ठीक है। कौन सी बॉडी है, हमारे पास जो है क्लास की बॉडी शुरू हो गई है। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन आएगा ना, तो पब्लिक की जगह मैंने जो अपनी यूज किया वो जनरल यूज किया हुआ है, ठीक है। स्टैटिक की जगह इनएक्टिव यूज किया हुआ है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन होता है, वॉइड की जगह मैंने वॉइड यूज किया हुआ है, मेन की जगह मैंने मेन का ही कीवर्ड यूज किया हुआ है। उसके बाद ये सारी कंडीशंस शुरू हो चुकी होंगी, तो उसके बाद ये ब्रैकेट ओपन होगा, ठीक है जी, ये ब्रैकेट ओपन होगा। एंड देन आगे जो है मल्टी स्टेटमेंट्स जो है वो शुरू हो जाएगी, क्योंकि मेन के अंदर हमारे पास मल्टी स्टेटमेंट्स होती है। उसके बाद उसकी ये शुरू हो जाएगी, मल्टी स्टेटमेंट के उस पे जाएगा फंक्शन पे। उसके बाद क्लास बाउंड्री उस पे जाएगा, उसके बाद डेफिनेशंस पे जाएगा, और ये सारी चीजें जब प्रूव हो जाएंगी तो ही ये काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा, एरर थ्रू कर देगा कि आपके सिंटेक्स में कोई ना कोई मसला है, ठीक है। सिंटेक्स एनालाइजर का हमारा जो आउटपुट होता है या तो ट्रू होता है या वो फॉल्स होता है, मतलब या तो वो बोलेगा कि सिंटेक्स इज करेक्ट या फिर बोलेगा सिंटेक्स इज इनकरेक्ट। सिंटेक्स इज करेक्ट, ठीक है, और सिंटेक्स इज इनकरेक्ट। सिंटेक्स इज इनकरेक्ट तो अब आपके ऊपर है कि आप जो एक एरर एक्सेप्शन थ्रू करवा दें कि लाइन नंबर इसमें मसला है या फिर इसमें ये मसला है, मतलब एक एरर मैसेज शो करवा दें। तो बेसिकली सिंटेक्स एनालाइजर जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं स्टूडेंट लेवल पे, तो यही बता रहा होता है कि आपका जो सिंटेक्स है ट्रू है या फिर फॉल्स है, ठीक है। अगर फॉल्स होते तो फिर आपको मैसेज एक शो करवाना पड़ता है, अगर आप करवा सकते तो करवा दें। वैसे मैंने तो ये बनाया हुआ है, क्योंकि मैंने हर जो है डेफिनेशंस के अंदर वो मैसेजेस शो नहीं कराए हुए, मैंने बस ट्रू और फॉल्स कराया हुआ है, पार्ट ठीक है ये कराया हुआ है मैंने। अब आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी, मैं ये जो है ना कोड स्ट्रक्चर या जितना भी ये सोर्स कोड है, मैं आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ना अपना ईमेल एड्रेस जो है ड्रॉप कर दूंगी, आप मुझे अपने ईमेल्स एड्रेस जो है ड्रॉप कर दें कि भाई मुझे सोर्स कोड चाहिए, मैं आपको इंशाल्लाह सोर्स कोड प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है जी। ठीक है, आप लोगों ने जो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एस देख लिया है, सी शार्प में कैसा कैसी होती है, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, सी प्लस प्लस का रिव्यू कर लेते हैं कि सी प्लस प्लस में क्या होता है। सी प्लस प्लस थोड़ा इससे और सिंपल है, कि इसमें हमें और बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, सिंपल है। उसी तरीके की चीजें हैं कि क्लास हो गया, आईडी हो गई, इनहेरिटेंस हो गया, सी की बॉडी हो गई, मेन हो गया, ये सारी चीजें हो गई। तो इन दोनों में कोई ऐसा खास फर्क है नहीं, क्योंकि सी प्लस और सी शार्प जो है ऑलमोस्ट एक तरीके के ही है, आप जो इस लैंग्वेजेस से फेमिलियर है उनको पता होगा, ठीक है। अब जो है पाइथन का देख लेते हैं, पाइथन का भी जो है कोड स्ट्रक्चर वो थोड़ा सिंपल सा ही है। देखें सिंगल स्टेटमेंट्स आते हैं, उसके बाद हमने वो इसको फिर से यूज करना होता है, क्लास की डेफिनेशन होती है, फिर फंक्शन की डेफिनेशन होती है, जो भी होता है, ठीक है जी। अब हमें ये देखना है कि हम
क्या क्या इनपुट दें या सैम्पल कोड क्या होना चाहिए जो पार्स हो जाए हमारे सिंटेक्स में। तो वो सिंपल है, हमें क्लास लिखनी होती है, हमें क्लास का नेम देना होता है, हमें क्लास की बॉडी के अंदर कुछ चीजें लिखनी होती हैं, जैसे ये सारी चीजें। फंक्शन भी मैंने बना दिया है, प्राइवेट का ऑब्जेक्ट सॉरी एक ऑब्जेक्ट भी डिक्लेयर करवा दिया है, एक एरे भी है और एक फंक्शन भी है। तो ये सिंपल सिंटेक्स एनालाइजर का जो भी हम पार्स करवा रहे होते हैं, सैंपल कोड इस तरीके का होता है। जो अभी हम सोर्स कोड लिखते हैं फिर हम उसको पार्स करवाएंगे, ठीक है जी, पार्स करवा देंगे। अगर हमारा सिंटेक्स एनालाइजर सही बना होगा तो उसको पार्स कर देगा और कोई भी एरर नहीं आएगा। और अगर ठीक है जी, और अगर हम इसमें जैसे क्लास हो गया, क्लास के बाद हम सिंटेक्स गलत कर देते हैं, ठीक है, सिंटेक्स गलत करते हैं तो सीएफजी मैच नहीं होती, तो जाहिर सी बात है उसको एक्सेप्शन थ्रो करना चाहिए। तो इस तरीके से हमें पता चलेगा हमारा जो सिंटेक्स एनालाइजर वो कंप्लीट बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, ठीक है। एक एक की सीएफजी वो जाकर चेक करेगा कि अगर वो एरे सॉरी ये वेरिएबल डिक्लेरेशन किस तरीके की होती है, इसका एक अलग मेथड होगा, ठीक है, ये जो है स्टैटिक टाइप का वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होगा, इसका एक अलग फंक्शन होगा, ठीक है, फंक्शन कैसे डिक्लेयर होगा, ठीक है, इन सारी चीजों की जो है ना अलग अलग होती है, ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को इसका कंप्लीट ओवरव्यू दे दूंगी सोर्स कोड का, कि किस तरीके का होता है, ठीक है, सोर्स कोड का ओवरव्यू दे दूंगी, ठीक है। उसके बाद मेल कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को सोर्स कोड प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। ये जो है सिंटेक्स एनालाइजर का सेकंड लास्ट या मतलब लास्ट पे ही है लेक्चर्स, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह मेहनत करेंगे तो आपका सिंटेक्स एनालाइजर या जो भी कंपाइलर आप बना रहे हैं प्रैक्टिकली वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।